अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। संत और पुजारियों पर आने वाले सम्मान की लड़ाई को लड़ा जाएगा। सरकार से लिए जाएंगे मठ मंदिरों के अधिकार। देश एवं प्रदेश के अनेक संत पुजारी और महात्माओं के साथ उनके सम्मान उनके हक की लड़ाई को लड़ा जाएगा। साथ ही सरकार से मठ मंदिरों के कब्जे के लिए भी चर्चा कर उनका समाधान होगा। वहीं आज जिस तरीके से हिंदू धर्म में एक नजर आ रहा है, यह हिंदू राष्ट्र की साकार होती कल्पना है जो धीरे धीरे अलग अलग स्वरूप में नजर आ रहा है। आज हिंदू समाज अलग अलग धर्मों में दिख रहा है, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आएगी तब देश का हर हिंदू एक होकर हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा। यह बात विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने हमारे संवाददाता से चर्चा में कही। श्री परांडे ने नगर में अर्चन पुजारियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए नगर में आए थे, जहाँ खंडवा जाने के पूर्व उन्होंने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया आज मठ मंदिर में पंडित पुजारियों की जो दयनीय स्थिति हो रही है उसको लेकर भी सरकार का ध्यान दिलाया जाएगा। साथ ही इनके लिए अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना कर मठ मंदिर की रखरखाव एवं देखरेख की व्यवस्था भी की जाएगी। विहिप द्वारा अलग अलग अभियान चलाकर हिंदुत्व को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वहीं इसमें पंडित पुजारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजादी के बाद से जिस तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों का दोहन हुआ है, उसके बाद अब जरूरी है कि बाकी बचे हिंदू मठ मंदिरों को बचाया जा सके। संचालन जितेंद्र राठौड़ एवं आभार विश्व हिंदू परिषद की जिला अध्यक्ष दिलीप सकरोदिया ने व्यक्त किया। इस दौरान अतिथियों ने गणेश मंदिर पर पूजन अर्चन कर आयोजन की शुरुआत की। आयोजन के पूर्व में ओम और श्री राम के उच्चारण से कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान राजा चौरसिया, अमित यादव, बिन्नी कपूर, धर्मेंद्र सिंह पवार, पीयूष मंडलोई, मोहित दुबे, सागर ठाकुर, पुनीत टुटेजा, धर्मेंद्र मंसद, चिराग लाड सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। डीजीआना न्यूज में मार्ट रिपोर्ट सनावत।